रिंगाल या रिंगालू। उत्तराखंड के लगभग हर बच्चे से लेकर बड़े तक का रिंगाल से जरूर वास्ता पड़ता है। बचपन में रिंगाल की कलम से लिखना और घर में उससे बनी वस्तुओं का उपयोग करना, इनमें सुप्पू, द्वारा, कंडी, चटाई, डलिया आदि शामिल हैं। बचपन में रिंगाल की कलम से लिखने का बहुत शौक था। हम मानते थे कि बांस से बनी कलम की तुलना में रिंगाल की कलम से अच्छी लिखावट बनती है। पिताजी रिंगाल को चाकू से छीलकर कलम बनाते थे। रिंगाल से मेरा पहला परिचय कलम ने ही करवाया था और कक्षा पांचवी तक यह रिश्ता बना रहा। वैसे रिंगाल या बांस से बनी तमाम वस्तुएं हम हर रोज उपयोग करते थे। आज हम घसेरी में इसी रिंगाल के बारे में आपको जानकारी देंगे जो पहाड़ों में रोजगार का उत्तम साधन बन सकता है। उम्मीद है कि आपने यह विशेष चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। रिंगाल को बौना बांस भी कहा जाता है। बौना बांस मतलब बांस की छोटी प्रजाति। बांस के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह बहुत लंबा होता है, लेकिन रिंगाल उसकी तुलना में काफ़ी छोटा होता है। बांस जहां 25 से 30 मीटर तक लंबे होते हैं, वहीं रिंगाल की लंबाई 5 से 8 मीटर तक होती है। बांस की तरह यह भी समूह में उगता है। यह मुख्य रूप से उन स्थानों में उगता है जहां इसके लिए पानी और नमी की उचित व्यवस्था हो। उत्तराखंड में कई स्थानों पर इसकी व्यावसायिक खेती भी होती है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 प्रकार के रिंगाल पाए जाते हैं। इनके पहाड़ी नाम हैं गोलू रिंगाल, देव रिंगाल, थाम, सरारू और भाटपुत्र। इनमें से गोलू और देव रिंगाल उत्तराखंड में सबसे अधिक मिलता है। गोलू रिंगाल का वानस्पतिक नाम ड्रेपोनोस्ताचयम फालचातम है, जबकि देव रिंगाल का थैमनोकैमस पैथीफ्लोरस। अमेरिका में अरुंडीनिया फालकाटा प्रजाति का रिंगाल मिलता है, जिसे उत्तराखंड में सरारू नाम से जाना जाता है। इनमें गोलू रिंगाल अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर मिलता है, जबकि देव रिंगाल निचले स्थानों यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पर भी पाया जाता है। थैमनोकाल्मस जोनसेसिस यानी थाम भी अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर उगता है। इसे सभी रिंगाल में सबसे मजबूत और टिकाऊ माना जाता है, इसलिए इस रिंगाल की लाठियां बनाई जाती हैं। रिंगाल बेहद उपयोगी होता है। हम रिंगाल की कलम का पहले ही जिक्र कर चुके हैं। काश्तकार इससे कई अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार करते हैं। इनमें सुप्पा या सुप्पू, टोकरी, डोका या डक, डलिया, बड़ी कंडी, हथकंडी, द्वारा या नरेला, चटाई, फूलों को इकट्ठा करने के लिए बाल्टी, बक्सा, थाली, फूलदान, कलमदान, कूड़ादान, झाड़ू, ट्रे, पेस्टदान, टेबल लैंप, सोल्टा आदि प्रमुख हैं। घर में चावल साफ करने हैं या झंगोरा, यह सुप्पू के बिना संभव नहीं है। जब चावल ओखली यानी उरखेली में कूटे जाते हैं तो सुप्पू की मदद से ही भूसे को अलग किया जाता है। घर में रोटी रखने के लिए अलग से टोकरी होती है, जो मुख्य रूप से रिंगाल से ही तैयार की जाती है। खेतों में कंडी में खाना रखकर ले जाया जाता है। गांव में पैना बांटने हैं तो वह भी कंडी में ही रखे जाते हैं। उत्तराखंड में दौड़ कंडी का प्रचलन वर्षों से चला आ रहा है। कुमाऊं में डलिया को पवित्र माना जाता है। भिटौली त्यौहार में माँ डलिया में ही बेटी के लिए कपड़े और पकवान रखकर भेजती है। बेटी के घर बच्चा होने पर भी डलिया भेंट करने की परंपरा रही है।
कहने का मतलब यह है कि रिंगाल पहाड़ी लोगों के जीवन का अहम अंग रहा है। रिंगाल की पत्तियां भी उपयोगी होती हैं। इनका उपयोग पशुओं के लिए चारे के रूप में किया जाता है। पशु इसकी पत्तियों को बड़े चाव से खाते हैं। खेतों में रिंगाल से बाड़ तैयार की जाती है और सूखने पर इसका उपयोग जलावन के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि मिट्टी से बने घरों में छत तैयार करने में बांस और रिंगाल का उपयोग किया जाता है। रिंगाल बहु उपयोगी है। उत्तराखंड में इसका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन हो सकता है, लेकिन पहले इससे जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह रोज़गार का अच्छा साधन हो सकता है। तो कैसे लगी आपको रिंगाल की कहानी, हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का तहे दिल से आभार।